तो सुबह का सारा काम वगैरह हो गया है और आजकल हमारे मस्त हजारी के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। मैं एक थाली भर के सब्जी ले गई हूँ। यही फायदा होता है ना घर के आगे गार्डन होने का, सब्जी का। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार मेरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल 218 व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह की 7:30 बजे से। और आज का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है, मतलब सुबह से बारिश चल रही है। और कल का जो व्लॉग था ना उसमें बहुत ज़्यादा थक गए थे गाँव से आने के बाद, मम्मी का बर्थडे भी नहीं मना पाए थे और बहुत थक गए, तो मैं व्लॉग की जो एंडिंग होती है ना वो भी नहीं कर पाई थी। तो चलो मौसम दिखाते हैं आपको, उसके बाद मुझे नहाने के लिए जाना है, तो मौसम दिखा के जाती हूँ नहाने। मामी लोगों ने अपने घर की पहचान दूर से कराने के लिए जो खप्पर के होते हैं ना वो कल तक रेड थे, तो आज ब्लू बना दिए हैं। फाइनली नहाना धोना भी हो गया और आज हेयर वॉश नहीं करें, बाकी नीचे जाते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं और आपको सीधे किचन में मिलेंगे। अब आ गई किचन में और अब बनाते हैं रोटी और अमित के लिए बनाती हूँ पराठे। आजकल हमारे मस्त हजारी के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और आगे के मक्के भी दिखाते हैं। मक्के भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, शायद एक हफ्ते में खाने लायक भी हो जाएंगे। हनी हनी हन्नू हन्नू हन्नू, कहाँ भाग रही है तू? कहाँ कहाँ भाग रही है? हन्नू 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 हन्नू, आजा इधर 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 इधर, कहाँ जा रहा है? इधर इधर। फिर से ला गई मैं इसको अपने पास। ये ऐ ऐ हमारा हन्नी, हमारा हन्नी नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, हाँ नीचे गिरेगा, हाँ। आजकल तो दिन में कहीं ज़्यादा बोरिंग 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 हो रहा है। और अभी फ़िलहाल धूप आ गई है, आज मुझे गार्डन से सब्जी वगैरह भी तोड़नी है क्योंकि सांभर बनाऊंगी फिर से। उस दिन सही हो गया था, मतलब सही बन गया था सांभर, तो सांभर बनाने के लिए थोड़ी देर में सब्जी तोड़ के ले आऊँगी और सलाद के लिए ले आऊँगी खीरा। फ्रिज हो गया हमारा बिल्कुल सही, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी बहुत, मतलब 4-5 दिन पहले पापा लाए थे, लेकिन फ्रिज ख़राब था ना तो वो ठंडी नहीं होती, तो गर्म अजीब सी नहीं होती, तो ये पीते हैं। तिदेव ने मंगाया था फ्लिपकार्ट से कुछ, मतलब वो कभी ऐसे महीने में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए मंगाते रहते हैं, रूम के लिए या हॉल के लिए मंगाते रहते हैं, तो आज भी मंगा रखा है। अभी गए हैं देवर जी लेने के लिए, उसके बाद जब लेके आएंगे तो उसके बाद आपको भी दिखाएंगे। तो पतिदेव ने ऑर्डर कर रखे हैं ड्रीम कैचर और ये हैं, और ये तीन तीन हैं अभी ऐसे दिख रहे हैं ना, तो इनको दिखाते हैं। एक पिंक और वाइट का मिक्सचर है, एक स्काई ब्लू और ब्लू का, और एक मल्टी कलर का है, तो आपको दिखाते हैं प्यारे प्यारे से। जो हमारे तीनों ड्रीम कैचर मंगा रखे हैं, एक ये है, एक ये है, और जो मल्टी कलर वाला बोली थी वो ये है। ये हमने ना अपने रूम के लिए मंगा रखा है क्योंकि जब हमने सोचा है कि जो हमारे शादी से पहले की फ़ोटो होंगी कुछ दो तीन जो अच्छी होंगी, और जो शादी के बाद की सारी ज़्यादातर फ़ोटो है जो अच्छी अच्छी आ रखी हैं वो सारी निकलवाएंगे, तो फिर उनके बीच में जैसे फ़ोटो होगी ना उसके बीच बीच में लगाएंगे इसको, प्यारे लग रहे हैं। ये और ये।
आज व्लॉग एडिट करने के लिए ना मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, क्योंकि कल मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत थकान लगी, तो जल्दी सो गई थी व्लॉग, फिर सुबह एडिट करा फिर उठी थी। तो अभी थोड़ा रेस्ट करती, फिलहाल अब जाते हैं नीचे खेत में सब्जी वगैरह तोड़ने के लिए सांभर के लिए। और हमारे आजकल खीरे के रुपए बच जा रहे हैं, मतलब सलाद के, क्योंकि रोज़ हम वहाँ से खीरे लेके आते थे, तो यहाँ आजकल हमारे रोज़ लग जा रहे हैं दो दो तीन तीन तो हो जाता है अपना। चाकू ले जाऊं? अपने सब्जी वाले गार्डन से मैं एक थाली भर के सब्जी ले गई हूँ। ये फायदा होता है ना घर के आगे गार्डन होने का, सब्जी का ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाती है खाने के लिए, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। और लोग तो जैसे इंजेक्शन वगैरह लगा के सब्जियाँ बिकते हैं ना दुकानों में, तो ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाती है यार, इतना बहुत होता है मतलब घर के आगे खेतों के। दिन का खाना भी बनने लग गया, और आज मैंने आप सबको बोला ही था कि सांभर बनाना है, तो सांभर आज मैंने उस दिन जैसे बनाया था ना वैसे बना रखा है। आज डायरेक्ट दाल और जो सब्जियां होती है एक साथ डाल के कुकर में फ्राई कर दिया है, बाकी प्याज और इमली और जो सांभर मसाला होता है वो बाद में तड़का लगाएंगे उसका। फाइनली खाना वगैरह बन गया है, और जो सामने वाला रूम है उस वाले रूम पे खाते हैं हम खाना। पीछे आपको सलाद और पापड़ दिखाई दे रहे होंगे, चावल वगैरह तो मैंने रख दिए हैं। थोड़ा खाना ठंडा होने के लिए फ़ैन ऑन किया है, और ठंडी हवा में वो होता है ना फ़ैन की आवाज़ से पापड़ ख़राब हो जाते हैं, तो 5 मिनट बाद लेके जाते हैं उधर। फिलहाल रेस्ट वगैरह करना भी हो गया है, और अब जाते हैं नीचे और मम्मी और पापा के लिए बनाते हैं चाय। चाय बना रहे ना तुम, दिखा रहे हो लोगों को तुमको मैगी चाय और अंडा बनाना आता है मसूर के। आज हम बना रहे हैं मक्के, मतलब अभी क्योंकि आज ठंडा भी रहा, ठंडे में भुट्टे बहुत अच्छे होते हैं ना, तो मतलब इसके ना सारे दाने निकाल के घी में भुनेंगे। और आज बारिश हो रही तो आग जलाने जैसा नहीं हो रहा है, तो गैस में तो वैसे अच्छे नहीं होते ना ऐसे रख के, इसके दाने आने निकाल के घी में भून के उसमें नमक मिक्स करके काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फाइनली छिल दिए सारे मक्के, और ये बात किस किस को पता है कि जो ये मक्के के डंडे होते हैं ना, मक्के निकाल के इसको खेत में फेंकते हैं, तो मतलब अम्मा लोग कहते थे कि खेत में फेंकते हैं तो चूहा लगता है धान के खेत में। कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को पता है। बन चुके हैं मक्के और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं, क्योंकि घी का टेस्ट भी आ रहा है और भुना हुआ टेस्ट भी आ रहा है ना, तो मस्त होते हैं ऐसे। आप भी ट्राई करके देखना अगर जिस जिसने नहीं बनाया ऐसे तो। बहुत टाइम से ना लोगों की डिमांड थी कि अपने पति देव को यानी कि फौजी साहब को मतलब वीडियो में ले आओ, लेकिन वो घर छुट्टी आई नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं उन्हें ला नहीं सकती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे ये बोला था कि अगर आप वैसे नहीं ला सकते हो तो वीडियो कॉल के जरिए ले आओ, तो आज मैं उनको आपके सामने वीडियो कॉल के जरिए अपने व्लॉग में ले आई। तो ये थी हमारी गपशप। जो जो रोज़ रोज होते रहेगा वही आपको दिखते रहेगा व्लॉग में। बाकी यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।